विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। ये ध्यान रखें कि अगर आज का वीडियो आपने ये नहीं देखा तो आप समझ जाएंगे, तो आप समझें कि आप पिछले 50 वर्ष पीछे की दुनिया में आप चले जाएंगे, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप समझ लीजिए कि आप आधुनिक दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज मैं कुछ ऐसा लेके आया हूँ जो आप देख करके दंग हो जाएंगे। तो धैर्य के साथ पूरे वीडियो को देखें और इसकी खासियत को देखें। अब मैं आपके सामने एक बल्ब दिखा रहा हूँ। ये एक बल्ब ऐसी है जिसमें GE लिखा हुआ है और एनर्जी सेवर 9 वाट का बल्ब है। यानी कि आप अपने घर में भी 9 वाट का बल्ब यूज करते हैं। नाइन वाट का बल्ब यूज करते हैं और वो देखते हैं कि ये उजाला का, जो कि भारत सरकार के द्वारा दिया गया है, तो ये तो अक्सर आप लोग जानते हैं कि ये लाइन में लगाएंगे तो हमारा बिजली सेव करेगा। क्या करेगा? लाइन में लगाने पर ये बिजली सेव करता है, यानी कि 90% बिजली बचाता है। लेकिन मैं ये नया क्या लाने वाला हूँ या नया क्या दिखाने वाला हूँ, मैं उसे आपको परिचय करवा रहा हूँ। तो अब मैं इस बल्ब को क्या कर रहा हूँ, लाइन में लगा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये मैं इसको लाइन में लगा दिया और ये देखिए जल गया। ऐसा मत समझिए कि ये जो है सो जल गया है, यहाँ लाइन है, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप मैं अभी अभी जस्ट दिखा रहा हूँ, जब भी मैं इसमें लाइन दूंगा तो देखिए किस तरह से जलेगा। देखिए ये लाइन होने के बाद और ये लाइन ऑफ होने के बाद, यानी लाइन अगर ऑन आती है तो इस तरह से जलेगा और लाइन जाती है तो भी इस तरह से जलेगा। यानी कि आप एकदम आश्वस्त रहें। और इसकी पहचान की खासियत ये है कि अक्सर आप टीवी यूट्यूब पर आपने देखा होगा कि आप किसी लाइन मैन को आपने देखा होगा कि वो क्या करता है, बल्ब को छूता है और बिजली जल जाती है, बल्ब जल जाता है। तो देखिए यहाँ से ऐसे छूने से बिजली हो सकता है कि आपको ना जले, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे हाथ में पानी अगर लगा दूँ थोड़ा सा तो हमारे हाथ पुनः जलने लगेंगे। जैसे मैं ये अब आप देख रहे हैं, मैंने इसमें थोड़ा सा अपने हाथ में जल लगा लिया है और तब मैं इसको छू रहा हूँ तो ये जलना शुरू हो गया। तो अगर ये हाथ से देखिए, इस हाथ में अगर जल नहीं है तो ये ऐसे नहीं जला, ठीक है। तो ये कोई बड़ा सा मैजिक नहीं है। आप इसको इस तरह से समझे, इसमें थोड़ा सा हमने ये इसे जल लगाया था, अब ये देखिए ये जलने के लिए तैयार है। देखिए ये जल रहा है, देखिए ये जल रहा है, नहीं जल रहा है, जरा सा छू के बताइए आप, देखिए है ना। ये अक्सर आपने वीडियो में देखा होगा कि कोई बच्चा जो है सो बल्ब को छूता है और वो क्या होता है, बल्ब जल जाता है। लेकिन ये कोई मैजिक नहीं, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये बल्ब की खासियत है। तो आधुनिक जमाने में, नए जमाने में इस प्रकार के बल्ब का आविष्कार किया गया है। इस बल्ब को यदि आप अपने घर में ले आते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको किसी प्रकार के लैंप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी प्रकार का आपको मोमबत्ती की आवश्यकता नहीं पड़ेगी या किसी अन्य प्रकार के लाइट संसाधन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि ये ऐसा लाइट है, ये ऐसा बल्ब है जो कि आप बिजली में लगा दो। और ये देखिए मैं फिर से लगा दे रहा हूँ, विश्वास करने वाली बात है, ये बड़ा आश्चर्य वाली बात है। देखिए यहाँ पर लगाया बस जल गया, ये लाइन रहे या ना रहे तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये काफी बड़ा आविष्कार है। तो हम आप लोग से निवेदन करेंगे कि इस नई खोज की दुनिया में जो है सो आप प्रवेश कर गए हैं और बस जरूरत है इस बल्ब को लाने की, और इस बल्ब को आप ले आइए अपने घर में और इसके बाद मुक्त हो जाइए किसी अन्य लाइट के और स्रोत के लिए, जैसे कि कोई लैंप की आवश्यकता नहीं, कोई सोलर लैंप की आवश्यकता नहीं, बस इसे ले आइए और निश्चिंत हो जाइए। यानी कि लाइन कट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइन कट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस इसी जानकारी के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा इस वीडियो को देखने के लिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप इतने दूर तक फैला दें कि हर वो भारत का व्यक्ति जो लाइन से परेशान है, लाइन कटने के बाद आदमी परेशान हो जाता है, कम से कम लाइट से वो परेशान ना हो, कम से कम वो लाइट से परेशान नहीं होगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो को इतना शेयर करें। ये बल्ब की मात्रा में ये देख रहे हैं, देखिए ये उजाला वाला बल्ब है, इसके मात्रा में बहुत काफी छोटा है, ठीक है, लेकिन ये इसकी खासियत बहुत अच्छी है।
इस वीडियो को हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को इतना फॉरवर्ड करें, कि प्रत्येक हिंदुस्तानी के पास से यह चला जाए और हमारे हिंदुस्तान से जिस प्रकार से भगवान बुद्ध का ज्ञान चारों तरफ फैल रहा है और उनकी रोशनी भी फैल रही है, ठीक उसी प्रकार से चारों तरफ ये जो है सो फैल जाए और चारों ओर यहाँ के प्रत्येक मानव जो है सो अंधेरे से मुक्ति मिल जाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।